कितना अच्छा लगता है कि जब हमें सभी चैनल्स डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार देखने को मिले, यानी जीसी कैटेगरी के एक तरफ, अगर कोई और चैनल देखना हो तो जैसे कि म्यूजिक के हैं तो म्यूजिक के एक तरफ सभी के सभी म्यूजिक के प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार की चैनल लिस्ट को आप भी बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इस लिस्ट को दो तरह से बना सकते हैं, एक तो फेवरेट लिस्ट है और दूसरा इस प्रकार बना सकते हैं जैसा कि मैं आप सभी को सामने दिखा रहा हूं। डीडी फ्रीडिस की चैनल लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है, इस प्रकार आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने जीसी कैटेगरी के चैनल लगा रखे हैं और उसके बाद मूवीज के सभी चैनल्स हैं और फिर उसके बाद हमारे न्यूज के, इस प्रकार आप भी लगा सकते हैं। तो किस प्रकार लगाएंगे, दोनों मेथड हम आपको बताने वाले हैं, फेवरेट की तरह और चैनल लिस्ट को इस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके मेन्यू की। मेन्यू में हमें इस प्रकार देखने को मिलता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मेरे पास जो सेटअप बॉक्स है, इसमें जो सेटिंग होती है वो चैनल लिस्ट में जाकर हमें सेटिंग करनी पड़ती है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, चैनल पर गए, चैनल लिस्ट में टीवी चैनल लिस्ट है, उसके बाद हमें इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके केस में भी इस प्रकार इंटरफेस देखने को ही मिलेगा, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ। हो सकता है आपके केस में इस प्रकार देखने को मिले, जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो चैनल लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो तीन कलर के बटन देखने को मिलेंगे, पहला है रेड सॉर्ट के लिए, ग्रीन फाइंड के लिए, येलो एडिट के लिए। तो अपने रिमोट से येलो बटन प्रेस कर दीजिए तो इस प्रकार का वही सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आपको पहले सेटअप बॉक्स में दिखाया था। यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस वही कर सकते हैं, जैसा कि चैनल लिस्ट के ऊपर दिया हुआ है, एक बटन डिलीट के लिए, दो मूव के लिए, तीन स्किप के लिए, चार लॉक के लिए और पांच फेवरेट के लिए। जो भी चीज आपको करनी है, डिलीट करना है तो एक प्रेस कीजिए, अपने रिमोट से एक बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार लुक देखने को मिल जाएगी और फिर एग्जिट करके यहाँ पर सेव हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चैनल लिस्ट के ऊपर कलर दिए हुए हैं, जैसा कि पहला है सिल्वर फेवरेट के लिए, रेड है लॉक के लिए, ग्रीन है स्किप और येलो है मूव के लिए। अगर एडिट करना है तो ब्लू बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो रिमोट से आप इसी प्रकार फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेवरेट लिस्ट बनाना चाहते हैं तो फेवरेट का बटन प्रेस कीजिए, इस प्रकार कैटेगरी आ जाएंगी। मूवीज के चैनल आप लाने चाहते हैं मूवीज कैटेगरी में तो इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे दो बार तो आपका ये मूवीज चैनल बन चुका है। ये न्यूज कैटेगरी का चैनल आपका मूवीज कैटेगरी में जा चुका है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं दिल का निशान बन चुका है। इसको दोबारा प्रेस कीजिए तो ये हट जाएगा। अब जहाँ पर मूवीज का चैनल है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ढिंचाक है तो इस पर ओके कर दीजिए। फिर दूसरा चैनल है बिफोर यू मूवीज, फिल्मची, जो भी चैनल आप मूवीज कैटेगरी में डालना चाहते हैं उन पर ओके करते जाइए तो ये आपके सभी के सभी मूवीज कैटेगरी में आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर मैं स्टार उत्सव को दूसरी कैटेगरी में लाना चाहता हूँ तो अपने रिमोट से ऐसे ही फेवरेट का बटन प्रेस कीजिए और कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एंटरटेनमेंट की सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में स्टार उत्सव आ चुका है। अब जो भी चैनल मैं एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में लाना चाहता हूँ उसको ओके करता जाऊँगा। जैसा कि यहाँ पर हमने ये सभी के सभी तीन चार चैनल हैं ये एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिए हैं। अब बस जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे एग्जिट कीजिए और ये आपसे सेव करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर यस कर देंगे तो इस प्रकार आपकी ये फेवरेट लिस्ट बन चुकी है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो अपने रिमोट से चैनल लिस्ट पर आकर फेवरेट का बटन प्रेस कीजिए और मूवीज़ कैटेगरी, म्यूजिक, जो भी आपने चैनल लिस्ट बनाई है वही चैनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर सभी चैनल्स आपके केवल उसी कैटेगरी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं चैनल के मूव करने की। जैसे कि आप सभी जानते भी हैं चैनल को मूव करके भी अपने फेवरेट चैनल लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेवरेट लिस्ट का बनाने का आपको तरीका बताया है। अब बात करेंगे हम सभी चैनल्स को किस प्रकार अपडेट करें। जैसा कि मैं यहाँ पर पहले अपने सैटेलाइट पर चला जाता हूँ, यहाँ पर डीडी का जो सैटेलाइट है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं सभी के सभी चैनल्स अपने ट्रांसपोंडर के अकॉर्डिंग सेट है। अब मान लीजिए मैं सबसे पहले न्यूज़ के चैनल ऊपर रखना चाहता हूँ। अगर मैं चैनल को मूव करना चाहूँगा तो अपने रिमोट से येलो बटन प्रेस करूँगा। अगर आपके केस में यहाँ पर कोई नंबर नज़र आता है मूव के लिए तो उसको प्रेस कीजिए। अब जौन से चैनल हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक दो नंबर पर लाना चाहते हैं तो उन्हें ओके कर देंगे। जैसे कि आज तक तेज है, इसे मैं फर्स्ट नंबर पर लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर इन्फो का बटन प्रेस कर दीजिए। जैसा कि नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, चैनल लिस्ट के सबसे नीचे देखेंगे प्रेस इन्फो टू स्टार्ट मूव। तो जैसे ही मैं इन्फो का बटन, रिमोट से इन्फो का बटन प्रेस करूँगा तो ये एक नंबर पर आ जाएगा।
इसी प्रकार आप नंबर वारी भी कर सकते हैं, एक एक करने की बजाय आप सिलेक्ट करके उनको मूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मान लीजिए मैं सभी के सभी ये मूवीज़ चैनल हैं जितने भी, ढिंचाक है या बिफोर यू मूवीज़ है, एफ जी मूवीज़, तो इनको ऊपर लाना चाहता हूँ। एक दो चैनल को और सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर जी अनमोल सिनेमा को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ढिंचाक टू को। अब मैं इन चैनल्स को नंबर दो पर, दो से आगे रखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम दो नंबर पर शिफ्ट करेंगे। दो नंबर पर आ जाइए, जहाँ पर दो नंबर है आपका वहाँ पर आकर इन्फो का बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर इन्फो का बटन प्रेस किया तो सभी के सभी ये चैनल जो उनसे मैंने सिलेक्ट किए, आज तक तेज भी हो गया है, तो इस प्रकार सभी चैनल आपके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं सभी मूवीज़ के चैनल अब इकट्ठे हो चुके हैं। इस प्रकार आप अपडेट करके एग्जिट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करते ही ये चैनल लिस्ट हमारी अपडेट हो जाएगी। देख लेते हैं चैनल लिस्ट में, इस प्रकार आप चैनल लिस्ट देख सकते हैं, सामने आपके आ गई। तो इस प्रकार मूव करके हम अपनी चैनल लिस्ट, फेवरेट चैनल लिस्ट को बना सकते हैं। दोनों तरीकों को आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप फेवरेट की लिस्ट बनाकर, या इस प्रकार चैनल को अप डाउन करके, तो जैसा मन चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक धन्यवाद।